टुडे वी विल डिस्कस बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड ऑल्सो ईएमएफ ऑफ द बैटरी. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग. मजा आएगा तुम लोगों को, ध्यान से देखो. सो बैटरी इसका ईएमएफ पढ़ेंगे हम लोग, इसकी चार्जिंग प्रोसेस पढ़ेंगे एंड डिस्चार्जिंग. तो बहुत सी चीजें, बहुत सी कंफ्यूजन दूर होने वाली है बैटरी के. तुम पढ़ो ध्यान से, समझो. तो बैटरी, तो बैटरी के डिवाइस, बैटरी इज ए डिवाइस यूज टू मेंटेन कॉन्स्टेंट potential difference across the ends of the resistor or conductor. So it maintains a constant potential difference. So if this is your resistor and you are connecting this battery with a resistor battery, so this is battery. So this will maintain a constant potential difference. If this is V and this is V, so potential difference V is equal to V minus V, and that is the time independent. That will not change with time. इसके क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बी होगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज. बैटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज बट इट गिव energy to charge due to which charge move from one point to another point. So energy produced in the battery due to some chemical reaction. देखो भाई, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता. बैटरी क्या करता है कि बैटरी एक चार्ज पहले से होता है, चार्ज को फोर्स अप्लाई करता है, चार्ज को एनर्जी देता है, जिसको चार्ज एक प्लस से दूसरे प्लस पे जाता है. ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, ये खाली चार्ज को एनर्जी देता है, चार्ज को फोर्स देता है कि नहीं. और फोर्स देने के बाद, चार्ज एनर्जी लेने के बाद या फोर्स अप्लाई करने के बाद चार्ज जो है वो मोशन में आता है. तो कहाँ से एनर्जी आता है? ये एनर्जी आता है केमिकल रिएक्शन से, यानी बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से. क्लियर? दिस इज अ सिंपल ऑफ बैटरी. बैटरी ऐसे बना सकते हो तुम. क्या क्या होता है लिखो, फिर बताता हूँ इसमें कौन क्या है. बैटरी है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है एंड टू प्लेट्स, एंड दिस टू प्लेट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड. तो होता क्या, कुछ नहीं, ये जो होता है बाबू कार्डबोर्ड होता है या कार्डबोर्ड या कुछ भी लगा सकते हैं, गत्ता टाइप का कुछ. इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. क्या डालते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट.
इसी इलेक्ट्रोलाइट। एंड देयर आर टू मेटालिक प्लेट, मेटालिक प्लेट एंड दे आर मेटालिक, मेटल का बना होता है। एंड दीज टू प्लेट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। सो दीज टू प्लेट, मान लो दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, सो प्लेट ए एंड प्लेट ए एंड प्लेट बी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। So there are some chemical reactions occurring. There are some chemical reactions are occurring inside the battery. Inside the battery, yeah, electrolytes. Electrolytes में क्या होता है, कुछ chemical reaction होते हैं. So due to some chemical reaction are occurring inside the battery. And due to heat, electrolyte is applying some force on the charge inside the battery. अंदर में बहुत सारा चार्ज है। chemical reaction होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे ना, कोई शेयर कर रहा, कोई गेन कर रहा। So due to chemical reaction, there are some charge particles inside the battery, there are some charge particles inside the battery. तो होगा क्या, chemical reaction होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो होगा क्या कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बैटरी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। क्लियर। बैटरी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बैटरी हैव सम एनर्जी एंड ड्यू टू दैट एनर्जी बैटरी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। क्लियर। क्लियर। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो होगा क्या कि मान लो एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द एफबी, दैट फोर्स इज कॉल्ड द बैटरी फोर्स, दैट इज कॉल्ड द बैटरी फोर्स। एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, दिस फोर्स इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रिक इन केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी को, बैटरी के पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को फोर्स अप्लाई करा चार्ज पार्टिकल पर। सो दैट फोर्स इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर, यानी उसको उस फोर्स को चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बट दैट फोर्स इज अप्लाइंग, दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। वो फोर्स हुआ, वो फोर्स एफबी इज द बैटरी फोर्स एंड दैट फोर्स इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी। ये चार्ज की वजह से फोर्स नहीं हो रहा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी समझो। एंड ड्यू टू दैट एनर्जी दिस एनर्जी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। क्लियर। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो होगा क्या बाबू, तो हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज मान लो एक तरफ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ जाएगा ना, तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया तो इस पर क्या होंगे बाबू, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। तो जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है बाबू उसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जिस पर नेगेटिव आता है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कोई बात समझ आई पूरी, माइनस यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो दिस वन है नेगेटिव चार्ज, दिस प्लेट है नेगेटिव चार्ज, दिस कॉल्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस वन है पॉजिटिव चार्ज, दिस कॉल्ड द। क्लियर। यू कैन आल्सो टेक द एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। क्लियर। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सो चार्जेस आर मूविंग ऑन प्लेट ए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग टुवर्ड्स प्लेट ए एंड नेगेटिव चार्ज आर मूविंग टुवर्ड्स प्लेट बी। And this movement of charge is due to battery force or battery energy, and that energy is due to chemical process, or that force is due to chemical process. That one has nothing to do with charge, electricity. Either okay, either okay. Also, this force FB, this force depends upon nature of electrolyte, nature of
इलेक्ट्रोलाइट, ये जो फोर्स होगा इसका मैंने किस पर डिपेंड करता है, तुमने कैसा इलेक्ट्रोलाइट इस पर डाला है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, डाइल्यूट कितना किए हो, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ बैटरी। डायमेंशन ऑफ बैटरी मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, बैटरी का साइज क्या है, एरिया कितना, उसका लेंथ कितना, गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, यू कैन ऑल्सो टेस्ट दैट डायमेंशन ऑफ द बैटरी, क्लियर। सो दिस वन हैज नथिंग टू डू विद चार्ज, नथिंग टू डू विद चार्ज, दिस इज प्योर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, क्लियर। एंड ऑल्सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स, ये जो एफ पी है, दिस इज द बैटरी फोर्स, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि टाइम तुम्हारा घटेगा बढ़ेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दिस इज ऑल्सो टाइम इंडिपेंडेंट, दिस इज योर बैटरी इलेक्ट्रोलाइट, तुम कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट से नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर आर टू इलेक्ट्रोड ए एंड बी। सो लेट अस अज्यूम जैसे बैटरी बनाते हैं केमिकल, बैटरी बनाओगे तो केमिकल एक्शन होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक केमिकल एक्शन होने लगा, तो बैटरी प्रोड्यूसिंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी तो होगा क्या, इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड देन माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज इधर आ गया, कोई दिक्कत इधर थोड़ा खाली कर दो कि माइनस चार्ज बनाने का आसान, एक बाबू इसमें माइनस चार्ज आ गया, तो बैटरी फोर्स एफ बी पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर, सो ड्यू टू बैटरी फोर्स देयर इज प्लस चार्ज ओवर हियर एंड देयर इज माइनस चार्ज हो गया, एंड दिस इज प्योर इलेक्ट्रिकल, सॉरी नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रिकली नेचर, इसको इलेक्ट्रिकल से मतलब नहीं है, दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड इसका वैल्यू क्या है, फिक्स। सो ड्यू टू दिस फोर्स एफ बी फोर्स बैटरी फोर्स, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, सो देयर आर टू चार्जेस कैप एट अ फाइनाइट सेपरेशन, सो दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द गैप ना, और इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो दिस इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। आर बस ये इलेक्ट्रोलाइट की धर्म देखा, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट दिखाते नहीं है, फिगर और क्लियर होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है दिखाते नहीं है तो और क्लियर होगा, इसके में बनाने में आसानी होगा, मान लो कि यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं इसे डॉट डॉट दिखा देता हूँ, तो दिक्कत दिस इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, इधर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्लियर, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मान लो ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ तरीके से मालूम पड़ जाता है, कोई दिक्कत इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो होगा क्या, जरा केमिकल एक्शन ऑपरेट इन द बैटरी ड्यू टू विच अ बैटरी इज अप्लाइंग एफ बी फोर्स ऑन द चार्ज पार्ट, क्लियर, एफ बी फोर्स, तो एफ इज द बैटरी फोर्स, सो व्हाट ड्यू टू बैटरी फोर्स जो प्लस चार्ज ओवर हियर दे माइनस चार्ज ओवर हियर, so since there are two charges, positive charge at plate A and negative charge at B, clear, so our two charges are finite separation, so there will be some electric field now, and direction of electric field will be this, so electric field will be in this direction, now FB is constantly working, this force is constantly applying force on the charge now, clear, ये हमेशा force apply करेगा, तो मान लो इसमें और भी तो चार्ज होंगे, सो जो अदर चार्ज है प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, एफ बी फोर्स क्या करेगा, प्लस चार्ज इधर फोर्स अप्लाई करके इधर भेजेगा और माइनस चार्ज क्या करेगा इधर भेजेगा, मीन्स ऑन प्लस चार्ज एफ बी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इज इन दिस डायरेक्शन एंड ऑन माइनस चार्ज एफ बी इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन ना, इन दिस डायरेक्शन ना, क्लियर, but due to charges on the plates, since charges starts accumulating on the plates na A and B, so there is a plus charge over and there is a minus charge over, so due to these two charges there is some electric field in between the gap na and direction is this, to maan le FB force apply karne ke baad maan le plus charge na plus charge, to FB is pe idhar force apply karega aur electric field
इधर अप्लाई करेगा, दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ बी, एक प्लस चार्ज है एफ बी उस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा ना यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एफ ही इधर अप्लाई करेगा ना, क्लियर। और माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा, अगर माइनस चार्ज होगा तो एफ बी किधर अप्लाई करेगा उसको, इस इधर, और एफ ही किधर अप्लाई करेगा बाबू, इधर ना। मींस ऑल द चार्ज पार्टिकल, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग नाउ, वन फोर्स इज ड्यू टू बैटरी एंड अदर फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ना। अब देखो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द चार्ज, वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अदर इन दिस डायरेक्शन, तो चार्ज किधर जाएगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा। यू नो एफ बी इज कॉन्स्टेंट बट एफ ई विल डिपेंड, एफ ई विल डिपेंड अपॉन ई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट योर एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। यानी कि जैसे जैसे इस पे चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू होगा, इस पे सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, तो एफ ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब एफ ई और एफ ही क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड एट दैट मोमेंट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन निगेटिव चार्ज बिकम्स इक्वल, और चार्ज का उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। कैसे, एक बार और फिर ध्यान से समझना, बुक पढ़ते रह जाओगा हालत खराब हो जानी है तुम्हारी, ठीक है, नहीं तो तुम ट्राई कर लेना। सो ये है बैटरी बाबू, ये है बैटरी, सॉरी ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोड से ली तो, और मान लो कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ होगा, क्लियर। अब मान लो कि प्लस चार्ज यहाँ है तो ये क्या करेगा, एफ बी फोर्स इधर अप्लाई करेगा, बैटरी फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर लगता है, if there is a positive charge in the electric field, force on the positive charge will be in the direction of electric field, and if there is a negative charge in the electric field, force will be opposite direction of electric field. So electric field hamesha idhar hi hoga na, to is pe kya hoga, force idhar lagega, so f b idhar lagega, f f b is the battery force, not come don't confuse with this, or f b is the electrostatic, electrostatic static force, or f b is equal to q e, where q is the charge and it is active field. आरे वासन, तो होगा कि एक मान इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई मान, एक चार्ज है तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इधर अप्लाई करेगा, तो होगा क्या कि इधर इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ई इज वेरी वीक ना, क्योंकि एफ बी का वैल्यू क्या है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, लेकिन ई क्या है, पहले स्मॉल है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा और माइनस चार्ज भी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे बाबू इस बैटरी पे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा कि प्लस चार्ज जमना शुरू हो जाएगा और माइनस चार्ज इस पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कैसे, जैसे जैसे यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ेगा, ई क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लियर क्लियर क्लियर। और एफ ही क्या हो जाएगा, मान लो इस पे क्यू चार्ज है और प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा ना, एफ ई इक्वल टू क्यू ई, क्लियर। एट इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, कब जाएगा इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होगा, योर एफ ई बिकम्स इक्वल टू एफ बी, ऐसा एक टाइम आएगा जब पर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बैटरी का फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब चार्ज का मोमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चार्ज की इस पे चार्ज को स्टोर होना, इस पे चार्ज को स्टोर होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी एट इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो, क्लियर। और यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज स्टोर में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई बात समझ, तो थम कॉप कर लो एक बार, ग्रुप के बच्चे इधर ऑनलाइन वालों थम कॉप करो, ये पॉइंट समझ आया तो, इक्विलिब्रियम में कैसे दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, गुड। बाकी के बच्चे जानवी फायदा बेटे बोलो, क्लियर। हाँ, सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बाबू, कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द बैटरी फोर्स, सो एट इक्विलिब्रियम बैटरी फोर्स एफ बी बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सो नेट चार्ज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज टारगेट चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो एंड एंड मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप, मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप ना,
स्टॉप रुक जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर बैटरी में कोई और एक्टिविटी नहीं हो रहा, तो बैटरी में कोई और एक्टिविटी नहीं हो रहा तो क्या होगा बाबू, बैटरी में कोई मान लो कि हमने एक बैटरी बना दिया, सिंपल से बता देता हूँ, ये बैटरी है और इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इसमें बाबू होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज इसमें शुरू होने लगेगा। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और बैटरी फोर्स क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा, इसमें भी चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। होगा क्या, मान लो चार्ज यहाँ बहुत सारा चार्ज तो है यहाँ, लेकिन इस चार्ज पे क्या लगेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, ये जहां है वहीं स्टेबल रहेगा, यानी इस पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, इस पे भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, अब बीच वाले चार्ज हो बीच में ही रहेंगे, उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज जीरो, क्योंकि अगर बैटरी फोर्स इधर फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो बैटरी फोर्स इधर, क्लियर, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और चार्ज का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, क्लियर। तब उसको हम बोलते हैं बैटरी फुल्ली चार्ज, बैटरी फुल्ली चार्ज, एक एक करके बताऊंगा मैं कैसे फुल्ली चार्ज होता है, तो ये बाबू मैकेनिज्म है, तो लिख लो फिर आगे करता हूं। दिस इज योर बैटरी, खींच गया है, देखो ये सर खींच गया है, आगे आ गया उसका नीब, नीब दबा साइड से, सो दिस इज योर बैटरी, E is the electric field. Equilibrium में electric field, you know, if accumulation of charge is increasing, electric field is increasing ना, so at equilibrium is the electric field strength, is the electric field strength. So force Fe is equal to Q times E, where Q is the charge on the plates ना, there is a plus charge, there is minus charge, the charge will be equal and opposite, clear on the two plates, and you know Fe is the fixed ना, Fe is fixed value and that is the battery force, battery force. So if this is the gap between the two electrodes, this is the gap between the two electrodes. Clear? This is the gap between the two electrodes. So what? If E is equal to Q E, clear? If E is equal to Q E, then work done will be equal to what? Work done will be equal to वॉल्यूम कितना होगा बाबू, एफ ई इंटू डी इज इक्वल टू एफ बी इंटू डी ना, सो दिस इज द वॉल्यूम बाय बैटरी, अब इक्विलिब्रियम में है तो वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वॉल्यूम बाय बैटरी विल बी इक्वल ना, बिकॉज़ टू फोर्सेस आर इक्वल, सो वॉल्यूम डब्ल्यू बाय बैटरी, दिस इज द वॉल्यूम बाय बैटरी, वॉल्यूम बाय बैटरी, सो एफ ई डी, एफ ई को निकाल सकते हैं, क्यू ई डी इज इक्वल टू एफ बी डी लिख सकते हो बेटे, सो योर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई डी, क्लियर, क्यू ई डी, क्लियर, एंड दिस इज व्हाट, डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हो, एंड दिस इज व्हाट ई डी इज व्हाट, इट इज व्हाट, क्या है ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस क्या है, तू बता ई डी क्या है, व्हाट इज ई डी, ई डी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ED इज द पोटेंशियल डिफरेंस, गुड, ED इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ED इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्लियर, सो दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, बट दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बट दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे, तो मान लो बैटरी है तो तुम वायर भी तो लगा सकते हो, टीवी एसी कुछ भी जोड़ सकते हो, नहीं इससे बल्ब भी तो जोड़ सकते हो, लेकिन हमने कुछ जोड़ा है इसमें, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर यू आर नॉट गेटिंग एनी करंट फ्रॉम द बैटरी और सर्किट इज ओपन, बैटरी इज नॉट इन यूज, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन
when there is no current, there is no current flowing from the battery, na? From the battery, or battery is not in use. Battery is not in use, na? Or your circuit is, this is the potential difference. You will say when circuit is open. Circuit क्या open है, clear? So this is a special type of potential difference. So your W upon Q is equal to ED, and this is a special type of potential difference, and this special type of potential difference is called the EMF, electromotive force. Electromotive force. करो जल्दी दिखे, जल्दी दिखे, और भी समझाऊँ मैं इसमें. W is equal to EQD. So W upon Q is equal to ED. This is the potential difference. Potential difference between the plate. And this W upon Q is called the EMF, which is equal to ED, which is equal to potential difference between the plates when circuit CKT is the circuit का short form. CKT is open. Circuit open is कब होगा बाबू? Potential difference. Clear? Clear, circuit open होगा तब होगा potential difference. Clear, so EMF is equal to ED and this is equal to potential difference. Clear, and this is called the electromotive force. So EMF is also non-electrical in nature. EMF, electromagnetic force, it is the energy, but force, they have confusion, electromagnetic force naam hai, lekin ye energy hai. So this is non-electric in nature. ये इसको यहाँ हमने भले ED लिखा हो explain करने के लिए, feel करने के लिए, actual नहीं है, fact क्या? Clear, equilibrium में क्या होगा, electric force और battery force क्या होगा, equal हो जाए. उसके case में क्या होगा, यानी हमने देख लिया कि EMF जो है ये क्या है, electric force नहीं है, electrical energy नहीं है. This is the chemical energy. This is the chemical energy. ये electrical energy नहीं है, chemical energy है, और due to battery force. Due to यही battery force की वजह से. Clear? तो क्या होगा, battery force constant, तो battery का EMF क्या होगा, constant. So Fb is fixed, ना, Fb is fixed. So EMF will be also. So कभी कोई पूछता है कि बैटरी कितना वोल्ट का है, तो ऐसा बोलते हो ना कि 12 वोल्ट का है, ऐसा थोड़ी बोलते हो कि आज 12 वोल्ट का है, कल 6 वोल्ट का हो जाएगा, परसों 5 वोल्ट का, नहीं ना, 12 वोल्ट ही रहता है वो. तो वो 12 वोल्ट का, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. क्लियर हो, पोटेंशियल डिफरेंस. एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स मे वेरी, मे चेंज. हियर ईएमएफ इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन. जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, इफ सर्किट इज क्लोज्ड तो योर ईएमएफ मे बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मे बी ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, और मे बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है. ई इज इक्वल टू पी, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सीकेट इज, जब सर्किट ओपन होगा तभी क्या होगा, योर ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ लिखो, यहां ई लिख रहा हूं, ईएमएफ. क्लियर? ईएमएफ कोई दिक्कत, जब बैटरी ओपन होगा, सर्किट ओपन होगा, तब क्या होगा, योर ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. अगर क्लोज कर दोगे सर्किट तो ये भी सिचुएशन हो सकता है, ईएमएफ इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द प्लेट, और ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? अब ये कब क्या होगा वो बाद में पढ़ेंगे. ये समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? सो लिखो दो चीजों, यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स व्हेन सर्किट इज ओपन, बैटरी इज नहीं है. योर ईएमएफ मे बी, योर ईएमएफ मे बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. क्लियर? क्लियर? अक्रॉस द प्लेट व्हेन
सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज हुआ तो क्या होगा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अब सर्किट क्लोज करोगे तो क्या होगा, दो चीजें हो सकता है। देयर आर टू प्रोसेस, बैटरी के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, चार्जिंग प्रोसेस एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। क्लियर, पहले तो ये मैं आपको डिफाइन कर लूं, ये मैं फैक्ट एक्चुअल में, ये मैं इज द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विद कट बैटरी फोर्स नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वॉट, देर आर टू प्रोसेस, बैटरी है टू प्रोसेस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, वी गेट करेंट फ्रॉम द बैटरी, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, वी आर गिविंग करेंट टू द बैटरी। चार्जिंग में क्या होता है, लेते हैं डिस्चार्जिंग में लेते हैं और चार्जिंग में क्या करते हैं, देते हैं, उल्टा बोल दिया। चलो तो ये बाबा बैटरी, क्लियर, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी। तो चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में वी आर गिविंग करंट, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, वी आर टेकिंग करंट, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, वी आर टेकिंग करंट डिस्चार्जिंग में, यानी हम यहां रजिस्टर लगा देंगे तो करंट यहां से निकलेगा बाबू और इधर से होकर इधर जाएगा। क्लियर, तो देखो दो है, आउटसाइड क्या होगा करंट डायरेक्शन, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस आउटसाइड क्या होगा, ए टू बी करंट जाएगा, लेकिन इनसाइड में क्या हो जाएगा, बी टू ए। आउटसाइड में करंट डायरेक्शन ए टू बी होता है, इनसाइड में बी टू ए होता है। क्लियर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्लियर, मतलब यू आर गेटिंग एनर्जी, यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। क्लियर, अब देखो ईएमएफ तो बैटरी का फिक्स है ना यार, ईएमएफ बैटरी का हमेशा फिक्स है, चाहे चार्ज करो या डिस्चार्ज करो, वो तो बैटरी जब बनाएंगे तभी का इलेक्ट्रोलाइट और किसके इलेक्ट्रोड के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट और डायमेंशन के हिसाब से ईएमएफ उसका क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज चेंजिंग ना, सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग योर ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग योर ईएमएफ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ड्यूरिंग चार्जिंग चार्जिंग में क्या होगा, पहले लिखो इसको यार, लिखो बॉडी भर जाता है। चार्जिंग में क्या होगा, ये बैटरी है, ये ए है और बी है, तो यहां पर रजिस्टर में क्या लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे बाबू पावर सप्लाई जो इसको चार्ज दे, इसको करंट दे, तो करंट डायरेक्शन क्या होगा, आप इधर हो जाएगा, यानी कि चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में क्या होगा बाबू, चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, करंट आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में बी टू ए, और इनसाइड में क्या होगा, ए टू, उलट जाता है सीधा। ऐसे केस में ईएमएफ विल बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे होगा तो बाद में देखेंगे। क्लियर, अब बैटरी का सिंबल क्या होता है बाबू, कर लिया गया, ठीक है, बैटरी का सिंबल ये होता है, ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा वी, कोई दिक्कत। सो अगर डिस्चार्जिंग है तो कैसे दिखाएंगे, बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो बैटरी कैसे दिखाएंगे, करेंट ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो डिस्चार्जिंग में क्या था, डिस्चार्जिंग में यही था ना यार, करंट ए से बी, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्लियर, ये होगा डिस्चार्जिंग का, और चार्जिंग कैसे दिखाएंगे, उल्टा, कैसे, इधर से देख रहे हो कहां से जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो ये हो गया चार्जिंग का। चार्जिंग प्रोसेस का सिंबल ये है और डिस्चार्जिंग प्रोसेस का सिंबल ये है। क्लियर, तो ये बात हो गया, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस व्हाई, ये करेंगे व्हाई
ये भी करेंगे। दूसरे केस में इसके केस में भी क्या था, EMF will be greater than PDY। So in the next class we will discuss this relation and also EMF, यानी कि अभी सर्किट ओपन था, सारा काम किया, अब क्या करेंगे सर्किट को क्लोज करके यानी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के प्रोसेस का अंदर देखेंगे कि क्या होता है कल। तो अगली क्लास में EMF के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और बैटरी चलेगा अभी लंबाई, क्लियर, और पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, क्लियर। तो ये सब चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बैटरी चलेगा अभी बैटरी, चलो बाय।